जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज में अभी हाल ही में 17 जुलाई को एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ था, जिसमें बोनस देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। बोनस का हालांकि रिकॉर्ड डेट कब है, किस रिश्यू मिलेगा, इस सब मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वजह से इस स्टॉक का जो नाम है काफी चर्चा में, इन दिनों बेन स्टॉक की दुनिया में जब देखते हैं तो समझेंगे स्टॉक कैसा है, और यदि लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी आप सोचते हैं तो क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं बोनस के बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल आप फायदे में रहते हैं क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम समझे कि कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी आपको दो प्रकार के इसके बिजनेस है जो मेन बिजनेस है। एक तो ये कमोडिटीज में ट्रेडिंग करती है। अभी मैं यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ, बेसिकली ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कंपनी जुड़ी हुई है और उस सेक्टर में ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। और दूसरा, इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो ज्वेलरी के बिजनेस से आता है। कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफी एक बड़ा और एक जाना पाया जाने नाम है ज्वेलरी की दुनिया में। अब समझिए, ये है तो पेन स्टॉक, क्योंकि मार्केट कैप सिर्फ 51-52 करोड़ के आसपास से बहुत बहुत छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक कंपनी है। और यदि जब पी देखते हैं इस स्टॉक का, तो पाएंगे सिर्फ 3-3.5% के आसपास, जो कि ये मतलब वैल्यूएशन वाइज देखते हैं स्टॉक का प्राइस तो बहुत ही आपको किफायती दर पे अभी स्टॉक का शेयर प्राइस मिल रहा है, यानी कि आप इसमें बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। रही बात चार्ट पर लेवल देखना होगा कहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो कमाल का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर सामने आ रहा है, 112% के आसपास। मतलब इतना कमाल का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको शायद ही पेन स्टॉक छोड़े अच्छे स्टॉक्स में भी आपको इतने कमाल के रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि इसका मतलब वो साल भर में इतना रिटर्न कमा के देने का स्टॉक दमखम रखता है, और कमा के दिया भी है। एक साल के चार्ट पर जब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे 10 साल का ग्राफ ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2023 के बाद स्टॉक मूवमेंट आना शुरू हुआ। 2 रुपये का शेयर था, 2 रुपये से बढ़ के स्टॉक का प्राइस आपको सीधे 12 रुपये तक गया। आप सोच सकते हैं कई गुना इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है। तो क्या हुआ कि प्राइस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टॉप पे जाने में, या डबल टॉप बनाया, तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आया, प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो इसमें हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है 17 जुलाई की जो मीटिंग हुआ था। हालांकि इस बोनस का रिकॉर्ड डेट अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन बोनस का रेशियो बता दिया गया है। आगे बोनस के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग इस कंपनी का और डिटेल्स ले लेते हैं। देखिए, अभी घबराना नहीं है, एक साल के चांस पर देखेंगे तो प्राइस अभी अपने इस लेवल के आसपास आ रहा है जहां से प्राइस उठना शुरू हुआ था, यानी कि अब 2 रुपए तक भी नहीं आएगा। यहीं से देखेंगे प्राइस यहां पे अब घूमने लगा है, और यहीं पे समय बिता के फिर प्राइस कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। यहीं से डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा, प्राइस ऊपर निकलेगा तो कम से कम पहले इस रेंज में आएगा, और 6 रुपए से 8 पैसे इसमें फिर समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा तो बहुत ऊपर आपको कम से कम इस लेवल के डबल जाते हुए आपको दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो आपको घबराना नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक बने रहिए। नए व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब प्राइस इस रेंज में आ जाए, 6 रुपए से 8 पैसे के बीच में आ जाए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि बोनस का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं जब बोनस के बारे में बताऊंगा तो आप यह भी बता दूंगा किस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। कंपनी में जब आप इस कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट देखते हैं तो पाते हैं कंपनी बहुत ही शानदार काम कर रही है, जिसमें बताया ज्वेलरी के बिजनेस में कंपनी है, और एग्रीकल्चर के बिजनेस में यानी कि एफएमसीजी के बिजनेस में। तो ये दो ऐसे बिजनेस है जो कभी आपको डाउन नहीं दिखेंगे। देखिए, कंपनी का जो सेल्स है आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए ही इस कंपनी का आपको जो सेल्स है वो दिखेगा। और सेल्स सिर्फ नहीं बढ़ रहा है बल्कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब चीज बढ़ रहा है, यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है वो भी कंपनी का बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, कंपनी शानदार प्रॉफिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्च क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो जब कंपनी काम धाम बढ़िया हो, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें यदि ग्रोथ की संभावना हो, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा, और कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा तो शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। इसमें यदि बात करें इन्वेस्टर्स कितने हैं, तो एज यूजुअल जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्री स्टॉक में प्रमोटर्स नहीं होते, मैक्सिमम जो हिस्सेदारी होती है पब्लिक की होती है, इसमें मेजर हिस्सेदारी पब्लिक की है। अब बात करते हैं बोनस और डिविडेंड वगैरह की। देखिए, कॉर्पोरेट एक्सेंस में जो आप देखेंगे तो पाएंगे कंपनी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। कंपनी समय समय पर स्प्लिट, राइट इशू और तमाम तरह के कॉर्पोरेट एक्सेंस कंपनी करती रहती है। यहाँ पे 2024 में कंपनी का अभी देखेंगे तो राइट इशू आया था, और अब कंपनी ने बोनस का जैसे मैंने बताया आपको अनाउंसमेंट किया हुआ है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अभी हाल ही में 17 जुलाई को एक मीटिंग हुआ था इनके डायरेक्टर्स का, उसमें बोनस अनाउंसमेंट किया है, और ये बोनस 1:1 के रेशियो में अनाउंसमेंट किया गया है। यानी कि आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, 10 शेयर है तो आपको 10 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, और आपके पास टोटल 20 शेयर हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी देखेंगे तो बोनस का जो डेट रखना है वो डेट अभी
एग्जैक्ट रूप से नहीं बताया गया है, क्योंकि इनकी अगस्त में एक और मीटिंग होने वाली है, और अगस्त में जो मीटिंग होने वाली है 14-15 अगस्त के आसपास होने वाली है, उस मीटिंग में इसका एग्जैक्ट डेट निकलकर सामने आएगा। रिकॉर्ड डेट ये इस पे मत जाइए, ये स्पष्ट नहीं है। आपको अगस्त में जब इस कंपनी का एग्जैक्ट डेट निकलकर सामने आ जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कि किस डेट रिकॉर्ड डेट क्या रहा है। उस रिकॉर्ड डेट के पहले आप इस कंपनी के शेयर्स को, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस उस समय तक 6 रुपए के करीब आ रहा होगा, और वहां पर आप इसको इजिली बाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहे तो बाई कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ बोनस लाभ लेना चाहते हैं तब भी बाय कर सकते हैं। तो फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मन में तो फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में फिलहाल इतना ही। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वक्त देने के लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद।